थाना क्षेत्र के ग्राम सीमली चक्र के खेत पर काम करते समय एक महिला की मौत हो गई। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां मृतक के ससुराल व मायका दोनों पक्ष शव ले जाने की बात पर हंगामा करने लगे। रविवार दोपहर नीमच सिटी थाना क्षेत्र के ग्राम सीमली चक निवासी कृष्णा बाई पिता कमलेश पाटीदार 28 साल की खेत पर काम करते समय अचानक ट्रैक्टर के कंप्रेशर बेल्ट में साड़ी आ जाने से दर्दनाक मौत हो गई। बाद में परिजन उसे लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां मृतिका के मायका पक्ष वाले भी पहुंच गए। इस बीच अस्पताल परिसर में मृतिका के ससुराल व मायका दोनों पक्षों के बीच शव को ले जाने की बात पर विवाद हो गया, जहां देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया। सूचना पर सिटी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची व दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत किया। शव परीक्षण कर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कृष्णा पति कमलेश पाटीदार ये ग्राम सीमली चक के निवासी है। वहाँ पर खेती में बोनी के समय दवाई छिड़कते हैं पाटीदार समाज वाले, दवाई छिड़क रहे थे, ट्रैक्टर स्टार्ट खड़ा था तो उनका कहना है कि ये महिला टंकी में दवाई ख़त्म नहीं हुई, झांकने गई उसमें इनका साड़ी ट्रैक्टर में आ गई और उसमें इनको चोटें आई और इनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में मर कायम कर स्व परीक्षण करवाया गया और जाँच की जा रही है।